तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? ए फ्रांसीसी, बी शासक वर्ग, सी कोलोन या डी जनरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलोन। दूसरा क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए मसीहा, बी क्रांतिकारी, सी पथ प्रदर्शक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, पथ प्रदर्शक। तीन नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ए वियतनाम में, बी थाईलैंड में, सी लाओस में या डी कंबोडिया में। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर चार है दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ऑप्शन ए होचिमिन, बी फान बोई चाओ, सी कुआंग या डी त्रियु। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, फान बोई चाओ। क्वेश्चन नंबर पांच है दोस्तों, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? ए सिहानुक, बी कैप्टन कांगली, सी पोलपोट या डी हैंग सामरिन। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, सिहानुक। सिहानुक ने ही लाल खमेर सेना का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स है दोस्तों, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? ए फान बोई चाओ, बी फाम चू मिंट, सी न्यूमेन आई कबोक या डी लियांग किचाओ। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूमेन आई कबोक। क्वेश्चन नंबर सात है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ए प्रधान, बी महापौर, सी निगमपति या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, महापौर। क्वेश्चन नंबर आठ है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ए 1953, बी 1955, सी 1956 या डी 1957। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, 1953। क्वेश्चन नंबर नाइन है, लिच्छवी बिहार के किस जिले में है? ए पटना, बी नालंदा, सी वैशाली या डी भागलपुर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, वैशाली। क्वेश्चन नंबर टेन है दोस्तों, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? ए प्रमुख, बी मुखिया, सी पंच या डी सरपंच। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बिहार राज्य की कितनी जनसंख्या कृषि पर आधारित है? ए 80%, बी 86%, सी 70% या डी 62%। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 86%। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ए लोहा, बी तांबा, सी पीतल या डी चांदी और सोना। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, चांदी और सोना। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? ए बचत, बी मुद्रा, सी व्यय या डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, बचत। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लंदन, बी चीन, सी लीबिया या डी यूनान। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, लीबिया में। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? ए केन्स ने, बी मार्शल ने, सी पिंगू ने या डी क्राउथर ने। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, केन्स के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। तो 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, घाना पक्षी बिहार किस राज्य में अवस्थित है? ए बिहार, बी झारखंड, सी गुजरात या डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान। तो 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? ए कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा या डी झारखंड। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, कर्नाटक। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा या डी मैग्नीज। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, लोहा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है? ए पूर्वी बिहार, बी पश्चिमी बिहार, सी दक्षिणी बिहार या डी उत्तरी बिहार। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तरी बिहार। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों,
बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, यानी बाढ़ आने के पहले ही पूर्व में सूचना दे दिया जाता है तो इसका कार्यालय कहाँ पे है? ए नंबर पटना, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद या डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, पटना। तो दोस्तों आज का 20 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे समाप्त होता है, मिलेंगे हम आपसे अगले सेट के साथ।